नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा उपाय जो हर कोई आपको नहीं बताता। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर धन की कमी को समाप्त करने का उपाय, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी को प्रवेश करने का उपाय। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी किस्मत, हमारी कुंडली हमारे कार्य के अनुरूप कार्य नहीं करती है और हमें कई प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है और हम सोचते हैं कि आखिर गरीबी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। लेकिन दोस्तों, कुछ उपाय आदि भी होते हैं, अगर हम समय रहते इन उपायों को कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे जीवन से वह चीजें भी समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर स्थायी वास बना लेती है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, कोई शत्रु हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कई प्रकार की क्रियाएं कर देता है, या फिर कोई आपको बुरी नजर सताती है, या फिर भगवान शनिदेव की टेढ़ी नजर हमारे ऊपर पड़ जाती है। तो दोस्तों, कैसा भी हम किसी सही दिशा के अंदर क्यों दूर जाएं, हमें समस्याएं जीवन के अंदर बनी रहती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उन सारी समस्याओं से मुक्ति का उपाय, जो बस मात्र आप कर लेंगे तो आपके जीवन के अंदर जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त होते हुए आपको धन लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे पहला एक छोटा सा उपाय दोस्तों, फिटकरी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग फिटकरी का इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए या फिर जलने कटने के लिए लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताएंगे, अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन की गरीबी को साफ कर देगा, अर्थात कि आपके जीवन के अंदर समृद्धि और सुख शांति को फिटकरी लेकर आता है। तो आप क्या करें दोस्तों, शुक्रवार के दिन दोस्तों, जब भी आप अपने घर के अंदर पोछा लगाते हैं, तब आपको एक कार्य करना चाहिए कि अपने पोछे वाले पानी के अंदर आपको थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा डालकर आपको पोछा लगाना चाहिए। अगर दोस्तों ऐसा करते हैं तो ऐसे घर के अंदर एक तो वास्तु दोष अगर कोई होता है तो वह समाप्त हो जाता है दोस्तों। दूसरा, नकारात्मकता या फिर किसी प्रकार की कोई बाधा होती है तो उसका निवारण तुरंत प्रभाव से हो जाता है। और तीसरा, ऐसे घर के अंदर माता लक्ष्मी बहुत जल्द आकर्षित होती है और माता लक्ष्मी उस घर के अंदर स्थायी वास बना लेती है, इसी वजह से इसका विशेष महत्व होता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर गरीबी समाप्त होने का नाम नहीं ले पा रही है, पारिवारिक लोगों के मध्य तनाव बना रहता है और आप चाहते हैं धन लाभ प्राप्त हो, तब आप क्या करें, किसी भी दिन एक काली पोटली लें और काली पोटली के अंदर 7 फिटकड़ी के छोटे टुकड़े लें और साथ ही साथ आपको एक हरी इलायची और साथ ही साथ एक हल्दी की गांठ आपको लेनी है, और लेने के बाद एक काली पोटली के अंदर इसे बांध दें। और उसके बाद दोस्तों, जिस व्यक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं, आप स्वयं के लिए भी करना चाहते हैं, तो अपने सर से 7 बार यह पोटली ओसारे और ओसारते समय ओम स शनिश्चराय नमः, ओम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और दोस्तों, इसी के साथ ही अगर आप साधारण मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः, इस बत्कार का मंत्र बोलने के बाद आप जिस व्यक्ति के हेतु उपाय के उसके सर से 7 बार ओसार दें और उस रात्रि को तो सोने के लिए उस व्यक्ति के सिरहाने आपको रख देने चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद अगले दिन जब आप उड़ते हैं तो उड़ते समय आपको वह फिटकरी अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगा दे। दोस्तों, आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन लाभ प्राप्त होगा, कैसा भी दुख दारुण्य क्यों न हो तुरंत प्रभाव से चला जाता है और आपको उसका फायदा देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं सरसों के तेल का एक ऐसा चमत्कारी उपाय, जो आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपके घर के अंदर धन के भंडार भर जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप अपने मंगलवार शनिवार या किसी भी दिन के अंदर आप सरसों का तेल लेकर आ जाएं। और सरसों का तेल लेने के बाद दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सरसों का तेल जिस प्रकार भगवान शनिदेव को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार आपको हनुमान जी को भी सरसों का तेल प्रसन्न करने का कार्य करता है। अब आप क्या करें, उस सरसों के तेल को एक मिट्टी का दीपक ले या फिर एक पीतल का दीपक ले, इसके अलावा आप कोई भी दीपक न ले, इस बात का ध्यान रखें, या तो मिट्टी का दीपक ले या पीतल का दीपक ले।
उसके अंदर दोस्तों आप सरसों का तेल डाल दें और साथ ही साथ एक लौंग डाल दें और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में या घर के अंदर ही हनुमान जी के समक्ष उस दीपक को जला दें। उसी के साथ ही दोस्तों जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है दोस्तों, वह सिंदूर आपको उस दीपक के अंदर आपको जला देना चाहिए और दोस्तों उसके बाद उस दीपक के पास बैठकर आपको हनुमान चालीसा का लगातार जाप करना है। दोस्तों हनुमान चालीसा का जाप आप कम से कम 5 बार तो करें और उसके बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार हनुमान चालीसा का जाप करें। और दोस्तों जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करने वाले होते हैं, जब जवाब जाप समाप्त हो जाए, आपको आपकी परेशानी और आपकी समस्याएँ हनुमान जी से बोलनी है और उसके बाद उस दीपक को आपको आपके संपूर्ण घर के अंदर घुमाना है। और दोस्तों ऐसा कर लें और उसके बाद जब हनुमान चालीसा का 5 बार आप पाठ कर लें, हनुमान जी को चढ़ाया गया वो सरसों का तेल लें जिसके हनुमान जी का सिंदूर, लौंग, इलायची मिक्स है और साथ ही साथ उस दीपक को हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उस दीपक को कई गुना आप ताकतवर बना देते हैं। उसके बाद दोस्तों उस दीपक को एक अपने हाथ की एक अंगुली के अंदर उसका तेल लें और अपने नाभि पर उस तेल को दोस्तों आप लगा लें। दोस्तों आपके नाभि पर लगाया गया यह तेल आपको कई गुना फायदा प्रदान करवाता है और साथ ही साथ नकारात्मकता, नजर दोष और बुरी शक्ति को तो दोस्तों उसी समय से यह चीज जलाकर समाप्त कर देती है। आपकी नाभि दोस्तों देखने में साधारण होती है लेकिन आपको कई प्रकार की चीजों से बचाकर रखती है, आपकी बीमारी से बचाकर रखती है और साथ ही साथ इसका इस नाड़ी का कनेक्शन आपकी कुंडली की नाड़ी के साथ होता है। चंद्र दोष हो, सूर्य दोष हो, राहु का दोष हो, इसे एक ही नाड़ी से निवारण किया जाता है। दोस्तों जब आप जन्म लेते हैं उस समय आपका शरीर का कोई भी भाग कनेक्ट नहीं होता लेकिन आपकी नाभि आपकी माँ से कनेक्ट होती है। इसका मतलब है दोस्तों यह आपकी किस्मत को चमकाने वाली होती है। तब आप क्या करें कि सरसों का तेल अपनी नाभि पर लगा दें और उसके बाद अन्य पुत्र हनुमान से आपकी जो भी मनवांछित इच्छाएं हैं वह बोल दें। दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी वह इच्छाएं तुरंत प्रभाव से पूरी हो जाती है और नाभि के प्रभाव में आने के बाद नकारात्मकता, शत्रु दोष या किसी भी प्रकार की किस्मत के अंदर दोष होता है तो वह तुरंत प्रभाव से उसी समय जलकर समाप्त हो जाता है। इसी तरह दोस्तों मंगलवार या शनिवार जो हनुमान जी को सरसों का तेल चढ़ाते हैं उसी प्रकार सरसों के तेल की एक पूड़ी बनाएं या फिर आप क्या करें एक रोटी बनाएं, एक तरफ से आपको पकानी है और दूसरी तरफ से आपको कच्ची रखनी है और उसके बाद आप क्या करें उसके ऊपर सरसों का तेल लगाएं और गुड़ और चना रखने के बाद आपको कहीं काला कुत्ता मिल जाता है तो काले कुत्ते को वह रोटी आप और गुड़ खिलाने के लिए दे दें। दोस्तों ऐसा करने से भी आपको कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, आपको धन लाभ प्राप्त होता है और भगवान संदेव माता लक्ष्मी का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।